वणक्कम வணக்கம் சார் ஐ எம் ரேஷ்மா மசூதா ஃப்ரம் நாடா சரஸ்வதி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி தமிழ்நாடு ஃப்ரம் தமிழ்நாடு தேனி ஐ எம் ரெப்ரசன்டிங் தி டீம் இன்னோவேஷன் ஜரா அப்னே பாரே மே ஆர் அப்னி டீம் நே கியா காம் கியே ஜரா பதாயே देखिए आप गुवाहाटी में आई टीम्स दक्षिण भारत से कई घंटों की यात्रा के बाद आप गुवाहाटी पहुंची है। आप सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के एम्बेसडर हैं। आप मुझे अपनी टीम के बारे में बताएं और आप किस प्रॉब्लम एरिया पर काम कर रहे हैं, आप किस प्रकार इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। इसकी जानकारी भी दे। Okay, sir. I am representing the team Innovation Squad. I am working with six of my teammates: Navin Bharati, Rubini, Sophia, myself, Reshma, Vigneshwar, and Ashwin. And our problem statement is AI-based generative design of hydropower plant. We are going to give a generative design of components of hydropower plant. Our main motive is to get the input from the users through our web application. Based on that input, we are going to generate a generative design of components of the hydropower plant. It will be very helpful to India become a self-reliant in energy, and it will reduce the dependency of the fossil fuel. We are using AI in backend, sir. Haan, please go ahead. Okay, so we are using AI to generate our to train our data set in backend, sir. We also went for a field visit Mullai Periyar Dam. On that hydropower plant, we collect some information about the components that are present in the hydropower plant. It is very helpful to develop our project. We gathered some data sets from that hydropower plant, and we are using that in our website, and it is integrated with the AI algorithms to generate a 2D design of the components of the hydropower plant, sir. आप जिस सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं वो विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पावर सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों भारत के फ्यूचर को शेप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के रास्ते हमें खोजने ही होंगे। पावर प्रोडक्शन के साथ साथ पावर ट्रांसमिशन और कंजम्पशन की मॉनिटरिंग, इसमें भी एफिशिएंसी की बहुत अधिक जरूरत है। इसमें एआई बेस्ड सॉल्यूशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस तरफ भी आपको जरूर सोचना चाहिए। बीते सालों में हमने हर गांव, हर परिवार तक बिजली पहुंचाने के लिए काम किया। अब हम खेतों में छोटे छोटे सोलर प्लांट्स हो, शहरों में रूफटॉप सोलर प्लांट्स हो, इस व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इससे जुड़ी एफिशिएंट सॉल्यूशंस पर भी युवा साथियों को जरूर काम करना चाहिए। वैसे मैं दक्षिण भारत से आए विद्यार्थियों से ये भी कहूंगा
कि नॉर्थ ईस्ट आए हैं तो इस हैकेथॉन के बाद ज्यादा से ज्यादा घूमने की भी कोशिश करें। नॉर्थ ईस्ट के लोग आपसे बहुत गर्मजोशी से मिलेंगे। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मानता हूं कि एआई का ये प्रयोग जरूर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। रियली वेरी थैंक यू सर। चलिए अब अगले सेंटर की तरफ चलते हैं। आप सबको वणक्कम।